गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा अधिगम सिद्धांत के बारे में, अधिगम परिभाषाओं के बारे में। इससे पिछली कड़ी में आपने अधिगम चिंतन, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र का आपने अध्ययन किया है। आज मैं उदयप्रताप सिंह आपको यूपीटेट व शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उस महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा यूपीटीईटी सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः एक लाइक और शेयर उसके लिए। यदि मैं बात करूं अधिगम के बारे में तो सबसे पहले जो आपने देख लिया है कि अधिगम क्या है तो आंसर आता है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। निरंतर चलने की वजह से नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों को आप नए नए अनुभव को जीवन में उपयोग करते हैं, जीवन में उपयोग करते हैं और जीवन में उपयोग करते ही व्यवहारों में परिवर्तन होता है और व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। चेंज इन बिहेवियर इक्वल टू लर्निंग, अर्थात अधिगम क्या है, अधिगम निरंतर चलने वाली क्रिया है। नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जीवन में उपयोग करते हैं, व्यवहार परिवर्तन होता है। व्यवहार परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, प्रश्न आपके यूपीटेट में बड़ा अच्छा पूछता है अधिगम की परिभाषाओं से, किसे पूछता है अधिगम की परिभाषाएं, तो आज आपको बड़ी अच्छी एक लाइन में आपको बता दें। अधिगम परिभाषाओं में मुख्य रूप से चार परिभाषाओं का अध्ययन आपसे पेपर पूछता है, यानी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा। इसके बाद आता है सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा। इसके बाद एक प्रश्न पूछता है सीखना, क्या पूछता है, सीखना अनुभव की प्रक्रिया है, क्या पूछता है, सीखना अनुभव की प्रक्रिया है। इसके बाद जो एक और प्रश्न आपसे बना देता है सीखना आदत ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि मुख्य रूप से चार परिभाषाएं यदि आपको याद है तो यूपीटेट में कहीं ना कहीं एक परिभाषा पूछ लेता है। तो एक लाइन में आपको एक कड़ी में एक ठीक है कहानी के रूप में बता दें, आपको बता दें गेट्स ने अनुभव किया, क्या किया, गेट्स ने अनुभव किया, यानी कि यदि किसी परिभाषा में अनुभव आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, गेट्स। तो यहाँ पर आपने देखा सीखना अनुभव की प्रक्रिया है, तो आंसर क्या देंगे, गेट्स व अन्य। सीखना यहाँ पर देखिए गेट्स ने अनुभव किया, कौए की आदत कहाँ कहाँ होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ, यानी कि कौए की आदत कहाँ कहाँ होती है, अर्थात जहाँ पर आदत आया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो, उसका आंसर क्या होगा, क्रो एंड क्रो। गेट्स ने अनुभव किया कौए की आदत कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद उडवर्थ ने विकास करा दिया, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है, आंसर क्या देंगे, उडवर्थ ने विकास करा दिया और कहा कि चूहे पर प्रयोग किसने किया था, तो आप सबको मालूम है चूहे पर प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था। कहा कि चूहा
सामंजस्य स्थापित करता है, चूहा सामंजस्य स्थापित करता है, चूहा सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि जहां पर उत्तरोत्तर सामंजस्य है इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। तो प्रिय बच्चों आपको दोबारा बता दें, एक लाइन में याद करिए, गेम्स ने अनुभव किया यानी सीखना अनुभव की प्रक्रिया है, आंसर क्या आया, गेम्स सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्क सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर सीखना आदत ज्ञान व अभिवृद्धियों का जन है, क्या है, क्रोएंड क्रो। इतनी बात आप याद करेंगे। अगली कड़ी में बात करते हैं अधिगम सिद्धांतों की। तो आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो आपके पेपर में हमेशा पूछता है। तो अधिगम सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है कोहलर का सूज सिद्धांत। क्या है, कोहलर का सूज सिद्धांत, ठीक है, कोहलर इनसाइट थ्योरी के बारे में आपसे आज चर्चा की जाएगी। यदि मैं बात करूं कोहलर के बारे में तो सबसे पहले बात कर दूं कि कोहलर कहां का निवासी है, तो आंसर आता है कोहलर जर्मनी का निवासी था। कोहलर कहां का निवासी था, जर्मनी का निवासी था। और कोहलर अगर मैं बात करूं एक गेस्टाल्टवादी है, कोहलर क्या है, एक गेस्टाल्टवादी है। यदि मैं बात करूं गेस्टाल्टवादी के बारे में तो गेस्टाल्टवादियों में गेस्टाल्टवादी कौन है, कोहलर है। गेस्टाल्टवाद शब्द का प्रथम प्रयोग गेस्टाल्टवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आंसर आता है मैक्स वर्डीवर ने किया था। किसने किया था, मैक्स वर्डीवर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोहलर गेस्टाल्टवादी है लेकिन गेस्टाल्टवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैक्स वर्डीमन ने किया था। अतः आपको यह भी मान लेना पड़ेगा गेस्टाल्टवादी कोहलर भी है और गेस्टाल्टवादी कौन है, मैक्स वर्डीमन है। गेस्टाल्टवाद में तीसरा जो नाम आएगा वो किसका नाम आएगा, पोप का। किसका नाम आएगा, पोप का। तो ध्यान रखें गेस्टाल्टवादी कितने मनोवैज्ञानिक है, आंसर आता है तीन। गेस्टाल्टवादी कौन है, पोप का। गेस्टाल्टवादी कौन है, कोहलर। और गेस्टाल्टवादी कौन है, मैक्स वर्डीमन। यदि मैं बात करूं गेस्टाल्टवादियों के बाद तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है, अगर मैं बात करूं गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्राकृति। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्राकृति। यदि मैं बात करूं गेस्टाल्टवाद का शब्द होता है वास्तविक अर्थ होता है समग्राकृति, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्णाकार। पूर्णाकार का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं पूर्णाकार, जैसे इस मार्कर का अपना आकार है इस संसार में, इस मार्कर का अपना आकार है इस संसार में, जीवित प्रत्येक प्राणी चाहे वो जीवित हो या है वो निर्जीव हो उसका एक अपना निश्चित आकार होता है। समग्राकृति पूर्णाकार, और पूर्णाकार का अर्थ होता है निश्चित आकार, निश्चित आकार। अतः मैं कह सकता हूं गेस्टाल्टवाद का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित आकार। इसके बाद चर्चा की जाती है कि कोहलर के बारे में, कोहलर सूज के सिद्धांत का जन्मदाता माना गया है और ये कहां का निवासी है, जर्मनी का। जर्मनी की एक संस्था थी जिसका नाम था द पर्सियन एकेडमी ऑफ साइंस। जर्मनी की एक संस्था थी उसका नाम था द पर्सियन एकेडमी ऑफ साइंस। क्या नाम था, एकेडमी ऑफ साइंस। जर्मनी की एक संस्था थी जिसका नाम था द पर्सियन एकेडमी ऑफ साइंस। इस संस्था के द्वारा कोहलर को सन 1913 में 13 से लेकर 18 तक 1913 से 1918 तक कैनारी नामक द्वीप पर टेनेरिफ या इसी को हम कहीं कहीं लिखा है स्टेनेरिफ, कैनारी नामक द्वीप पर टेनेरिफ यानी स्टेनेरिफ नामक जगह पर अध्ययन करने के लिए भेजा था, जहां पर कोहलर के द्वारा बंदर भालू कुत्ता बिल्ली चूहा मुर्गी बनमानुष आदि पर अध्ययन किया गया, जिसके बाद सुल्तान नामक बनमानुष सुल्तान
नामक बनमानुष पर सुल्तान नामक बनमानुष, सुल्तान नामक बनमानुष पर किया गया प्रयोग सबसे सफल प्रयोग रहा था। तो ध्यान रखना कि अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि उल्फगन कोहलर को किस संस्था ने कैनारी द्वीप पर भेजा था, तो संस्था का नाम है द पर्सियन एकेडमी ऑफ साइंस। जिसके बाद सन 1925 में इनके द्वारा एक किताब की रचना की गई थी जिसका नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप्स, बनमानुषों की बुद्धि। अतः कोहलर के द्वारा अपने सिद्धांत का वास्तव में प्रयोग कब किया गया था, सफल प्रयोग कब किया गया था, तो आंसर क्या आता है 1925। अब अगर बात करूं कोहलर ने दो प्रयोग किए थे, एक का नाम था बॉक्स समस्या प्रयोग और दूसरे का नाम था स्टिक प्रॉब्लम। अगर मैं बॉक्स समस्या प्रयोग के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, तीन बॉक्सों की चर्चा की थी, एक बड़ा था फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, और एक बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और यहाँ पर इनके द्वारा केला टांग दिया था, और जिसके बाद इसने तीन बॉक्स रख दिए थे और उस बंदर ने क्या किया, जो वो बनमानुष था अचानक सूझ उत्पन्न होती है और बड़े बॉक्स पर छोटा बॉक्स पर छोटा बॉक्स रख के उन केलों को प्राप्त कर लेता है। अतः ये सिद्ध करते हैं सूझ अचानक उत्पन्न होती है कोई क्रिया करने से नहीं। दूसरा, इन्होंने स्टिक प्रॉब्लम स्टिक समस्या के बारे में चर्चा की थी और इन्होंने क्या किया था, एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में बनमानुष को बंद किया था और बाहर केला डाल दिया था और वहां पर दो स्टिक रखी थी, उसने केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं प्राप्त कर पाता, अचानक दो स्टिक आपस में जुड़ जाती है क्योंकि दोनों में चुंबकत्व था, वह केला प्राप्त कर लेता है और केले को खा लेता है। अतः कोहलर ने कहा था सूझ अचानक उत्पन्न होती है कोई क्रिया करने से नहीं। छोटा सा ये सिद्धांत है जो आपके पेपर में आता है, वो मुख्य बातें आप पुनः याद कर लीजिए। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं सूझ का सिद्धांत किसका है, आंसर आता है सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादककर्ता कौन है, कोहलर। अगर मैं बात करूं कोहलर का पूरा नाम क्या है, आंसर आता है कोहलर का पूरा नाम है उल्फगंग कोहलर। कोहलर का पूरा नाम क्या है, उल्फगंग कोहलर। कोहलर कहाँ का निवासी है, आंसर आता है कोहलर जर्मनी का निवासी है। कोहलर कहाँ पर अध्ययन किया है, तो कैनारी नामक द्वीप पर अध्ययन किया है। तो इस जगह पर अध्ययन किया है, आंसर आता है टेनेरिफ या स्टेनेरिफ नामक जगह पर इनके द्वारा अध्ययन किया गया है। किस संस्था के द्वारा ये कैनारी नामक द्वीप पर जाते हैं, तो द पर्सियन एकेडमी ऑफ साइंस। कैनारी नामक द्वीप पर कब से कब तक रुकते हैं, 1913 से 1918 तक, ये 5 वर्ष वहाँ पर अध्ययन करते हैं और 5 वर्षों में बंदर भालू कुत्ता बिल्ली बनमानुष पर अध्ययन करते हैं, लेकिन सुल्तान नामक बनमानुष पर किया गया प्रयोग सबसे सफल प्रयोग रहता है। जिसके बाद सन 1925 में इनके द्वारा मेंटेलिटी ऑफ एप्स पुस्तक की रचना की जाती है और उसमें सिद्ध करते हैं कि सूझ अचानक उत्पन्न होती कोई क्रिया करने से नहीं। आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।